हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबको बीटेल M59 जो टेलीफोन होता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मॉडल नंबर इसका दिया गया है बीटेल M59। और ये उसके नीचे जो है बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे तीन पेंसिल सेल लगा सकते हैं हम, जैसा कि आप लोग अपने घड़ी वगैरह में लगाते हैं पेंसिल सेल, उस टाइप के तीन पेंसिल सेल लगते हैं यहाँ पे। पेंसिल सेल के फ़ायदे भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा वीडियो के अंत में कि पेंसिल सेल क्यों लगाते हैं और उससे क्या हमको लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके रिंगटोन सेटिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो रिंगटोन सेटिंग करने के लिए क्या होता है कि इस बीटल M59 टेलीफोन में कुल 16 रिंगटोन दिए गए हैं, जो कि कंपनी ने दिए हैं 16 रिंगटोन। हम उसको अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप उसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं अभी, ठीक है दोस्तों। तो बीटल का सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेट बटन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट बटन को प्रेस करेंगे। सेट बटन को हमने प्रेस कर दिया है, ओके। अब यहाँ पे कुछ आपको नंबर शो कर रहे हैं, तो इसका जो रिंगटोन सेटिंग है वो दो नंबर पे दिया गया है, ओके। तो हमको यहाँ पे क्या है, दो नंबर प्रेस करना है, दो नंबर प्रेस कर दिया। अब दो नंबर के अंदर फिर क्या किया गया है, उस रिंगटोन सेटिंग करने के लिए क्या दिया गया है, एक नंबर पर रिंगटोन सेटिंग दिया गया है। फिर हम एक नंबर को प्रेस करेंगे, प्रेस कर दिया एक नंबर को आपने। अभी क्या करेंगे हम, अप और डाउन एरो की मदद से रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एक नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, एक नंबर पे ये वाला जो रिंगटोन था ये था। अब ये देख सकते हैं आप, पैरों को मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ पे दो शो कर रहा है और रिंगटोन चेंज हो रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 और दोबारा से 1, ओके दोस्तों। अभी जिस पे भी आपको जो भी रिंगटोन सेट करना है वहाँ पे उस नंबर पे ले जा करके और क्या करना है, सेट बटन को प्रेस कर देना, ओके। सेट बटन प्रेस करते देख सकते हैं आप यहाँ पे जो 1 नंबर पे हमारा सेट हो चुका है, जो पहला नंबर पे रिंगटोन है वो हमारे इस टेलीफोन में सेट हो चुका है, ठीक है। अभी सेट बटन को प्रेस करने के बाद क्रेडल को आपको हैंडसेट को उठा करके रख देना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा रिंगटोन सेट हो चुका है। अभी चेक करने के लिए आप रिंग करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों को रिंगटोन सेटिंग के बारे में आ गया होगा, बीटेल M59 जो टेलीफोन का मॉडल है उसका। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी टेलीफोन के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों वीडियो शुरू करते समय मैंने आपको बताया था कि इस टेलीफोन में पेंसिल सेल डालने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पेंसिल सेल जो दोस्तों यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, पेंसिल सेल इसमें तीन पेंसिल सेल लगाते हैं। पेंसिल सेल यदि आपने पेंसिल सेल इसमें लगा के रखा हुआ है तो क्या होगा कि आपका जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले ये शो करेगा। ये डिस्प्ले में क्या होता है, लाइट जलता रहता है रात के समय, यदि आपको देखना है कि किसका रिंग आ रहा है। तो यदि पेंसिल इसके अंदर सेल नहीं है तो आप नहीं देख सकते हैं, अगर सेल है तभी आपको डिस्प्ले शो करेगा। दूसरा बात, यदि आपने क्या किया है कि इसमें आपके सेल नहीं है और आपने ये जो आपने आपका दिख रहा है यहाँ पे ईयर मंथ और डेट क्लॉक शो हो रहा है, यदि आपने इसको सेट भी कर दिया, अभी सेट हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से डेट और मंथ सेट करते हैं, इसका टाइम सेट करते हैं। तो यदि आपने इसको सेट कर दिया है और आपका फ़ोन में सेल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, यदि आपने इस लीड को एक बार भी अगर इस लीड को निकाला या आपका कनेक्टिविटी हटा, दोबारा जब आप लीड को लगाएंगे तो जो आपका डेट और टाइम है वो क्या होगा, रीसेट हो जाएगा और पुराना जो डेट टाइम था वो शो करेगा। और यदि सेल रहेगा तो आपका जो आपने टाइम और डेट सेट कर रखा है वही डेट शो करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।